बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वाटर हॉर्स। कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड से होती है, जहां पर एक अमेरिकन कपल जो कि टूरिस्ट है, वो एक मॉन्स्टर की फोटो देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये एक फेक मॉन्स्टर है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, वो कहता है कि तुमने सच कहा, ये एक फेक मॉन्स्टर है, मैं तुम्हें असली मॉन्स्टर की कहानी सुनाता हूँ। ये कपल उस बूढ़े आदमी के पास आ जाता है और अब बूढ़ा आदमी ने कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि आज से कई साल पहले सन 1942 में जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम एंगस था। एंगस अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ रहता था। उसके पिता वर्ल्ड वॉर टू में गए थे, लेकिन फिर कभी लौट कर वापस नहीं आए। एंगस को समंदर के पानी से बहुत डर लगता है, इसीलिए कभी भी वो समंदर में नहीं जाता। एक दिन उसे समंदर किनारे एक एग मिलता है। वो उस एग को उठाकर अपने घर ले आता है, जहां घर के पास ही उसका स्टोर रूम होता है। वो एग को स्टोर रूम में ले जाता है और उसके ऊपर से मिट्टी हटाता है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है, इसलिए एंगस को जाना पड़ता है। अब रात को बहुत तेज बारिश हो रही होती है और तभी उसे अपनी वर्कशॉप से, जहां पर उसने एग रखा था, वहां से कुछ आवाज आती है। एंगस भागते हुए उस तरफ जाता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। और जब वो स्टोर रूम से बाहर आता है, तो वो देखता है कि वहां पर एक अजीब सा क्रिएचर है, और ये क्रिएचर उसी एग से बाहर निकला है जिसे एंगस समंदर के किनारे से लेकर आया था। वो उस क्रिएचर को हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंगस को लगता है कि ये भूखा है, इसीलिए एंगस अंदर जाकर उसके खाने के लिए एक आलू लेकर आता है, और इसके बाद वो आलू उस क्रिएचर को खिलाता है। एंगस देखता है कि उसे चोट भी लगी है, इसीलिए वो उसके घाव पर बैंडेज लगाता है, और तभी एंगस की मॉम उसे बुला लेती है। इसीलिए एंगस को क्रिएचर को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। अगली सुबह जब एंगस उठता है, तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी आर्मी आई है। दरअसल समंदर के किनारे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की आर्मी आई होती है, ताकि वो समंदर पर नजर रख सके कि कहीं जर्मनी यहाँ से इनके देश के अंदर एंटर न कर जाए। दरअसल जंग के माहौल में ये सब आम बातें हैं, आर्मी वाले कहीं भी आ जाते हैं, किसी के भी घर पर रहते हैं, और अब आर्मी वाले इनके घर पर भी रहेंगे। एंगस जब अपनी वर्कशॉप में जाता है, तो वो देखता है कि वहां पर क्रिएचर ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। दरअसल क्रिएचर बहुत भूखा होता है। एंगस के घर में चारों तरफ आर्मी है, इसीलिए उसे खाने के लिए घर पर कुछ भी नहीं मिलता। वो गार्बेज का बॉक्स लाकर क्रिएचर के सामने रख देता है। क्रिएचर उसके अंदर घुसकर खाने की सारी चीजें खा लेता है। अब इसका नाम एंगस क्रूसो रखता है। क्रूसो और एंगस बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। साथ ही एंगस को एहसास होता है कि इसे पानी की जरूरत है, इसीलिए एंगस क्रूसो को पानी के अंदर डाल देता है। पानी के अंदर जाने के बाद क्रूसो बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर एंगस के घर में एक लड़का आता है जिसका नाम लुइस है। दरअसल यहाँ लुइस को एंगस की मॉम की हेल्प करने के लिए भेजा गया है। एंगस की मॉम जब वर्कशॉप के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। वो समझ जाती है कि एंगस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तभी यहाँ पर लुइस आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपकी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। एंगस की मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि एंगस ने यहाँ पर किसी पेट को, यानी कि पालतू जानवर को छुपा रखा है। दरअसल उसे पेट्स पालने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी पेट दिखे, तो उसे कमरे से बाहर निकाल देना। इसके बाद एंगस की मॉम चली जाती है और लुइस वहां पर सफाई करना शुरू कर देता है। तभी एंगस वहां पर आता है और वो देखता है कि वहां पर उसका क्रूसो कहीं भी नहीं है। लुइस एंगस को वहां से डांटकर भगा देता है, क्योंकि वो सफाई कर रहा होता है। हालांकि एंगस अपने क्रूसो को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्रूसो कहीं भी नहीं मिलता। वहीं क्रूसो को दिखाया जाता है, जो पहले से भी अब साइज में बड़ा हो चुका है। वो अपने दोस्त एंगस को ढूंढने के लिए घर के अंदर चला जाता है, जहां उसे बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आती है। क्रूसो पानी की आवाज से बाथरूम में बाथटब के अंदर चला जाता है, और तभी एंगस की बहन बाथरूम में जाती है, और जब वो क्रूसो को देखती है, तो वो चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। एंगस अपनी बहन की आवाज सुनकर उसके पास आता है और उसे बाथरूम में लेकर आता है, जहां पर क्रूसो बाथटब में होता है। वो अपनी बहन से कहता है कि तुम क्रूसो के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। पहले तो उसकी बहन मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है, क्योंकि एंगस हमेशा उदास रहता था, पर अब वो खुश है। तभी यहाँ पर लुइस भी बाथरूम का टैप ठीक करने के लिए आ जाता है। इनको ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है, और जब लुइस अंदर आता है, तो वो क्रूसो को देखता है जो बाथटब के अंदर है। हालांकि शुरू में लुइस भी उससे डर जाता है, लेकिन बाद में उसे क्रूसो बहुत प्यारा लगता है।
वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन इस बात से क्रूसो घबरा जाता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब लुईस इन दोनों को बताता है कि ये एक वाटर हॉर्स है। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले पूरी धरती पर सिर्फ एक ही वाटर हॉर्स बचा था। उसने एक अंडा दिया था, लेकिन अंडा फूटने से पहले उस वाटर हॉर्स की मृत्यु हो गई। अब तभी एंगस को यहाँ अपने मॉम के आने की आवाज़ आती है। उसकी मॉम वॉशरूम में आ जाती है, लेकिन ये तीनों मिलकर क्रूसो को छुपा देते हैं। अगली रात को एंगस को उसकी मॉम को और उसकी बहन को डिनर के लिए जाना होता है, जहाँ पर सारे आर्मी वालों ने उन्हें इन्वाइट किया होता है। एंगस क्रूसो को खाना खिलाकर बाथरूम से निकल जाता है, लेकिन गलती से दरवाज़ा खुला रह जाता है और जिस वजह से क्रूसो वहां से बाहर आ जाता है। घर में आर्मी वालों का डॉग भी होता है जो क्रूसो का पीछा करता है। क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर आर्मी वालों का डिनर चल रहा होता है। वो टेबल के नीचे से निकल जाता है, लेकिन जो डॉग होता है वो टेबल के ऊपर से उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, जिससे खाने का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। एंगस भी क्रूसो को देख लेता है, इसीलिए वो उसके पीछे भागता है। अब एंगस बाहर आता है, लेकिन क्रूसो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी यहाँ पर लुईस उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम घर के अंदर जाओ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और रात को लुईस को क्रूसो नहीं मिलता। अगली सुबह वो दोबारा उसे ढूंढने के लिए आता है और देखता है कि क्रूसो वहां पर जो फाउंटेन का पूल है उसके अंदर है और अब उसका साइज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ये क्रूसो को घर के अंदर नहीं छुपा सकते। इसीलिए दोनों क्रूसो को लेकर समंदर के किनारे जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब उसे समंदर में जाना होगा। लुईस क्रूसो को समंदर के अंदर ले जा रहा होता है, लेकिन क्रूसो समंदर के अंदर नहीं जाना चाहता। वो एंगस के साथ रहना चाहता है, लेकिन एंगस भी समझ चुका है कि अब उसे समंदर में भेजना ही होगा। ये उसे समंदर में छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वहीं घर पहुंचने के बाद एंगस के घर में जो आर्मी के कैप्टन होते हैं वो एंगस की मॉम से कहते हैं कि एंगस को मैं अपने साथ काम करवाऊंगा, इसीलिए वो एंगस को हमेशा अपने साथ बिजी रखते हैं। पर कुछ ही दिनों बाद एक पल ऐसा आता है जब एंगस को मौका मिल जाता है और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रूसो से मिलने के लिए समंदर के पास जाता है। समंदर के किनारे से क्रूसो को आवाज लगाता है, लेकिन क्रूसो नहीं आता। एंगस को पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात की परवाह नहीं करता और एक कश्ती से वो समंदर के बीचों बीच जाता है और अगले पल उसके पीछे क्रूसो आ जाता है, जो कि अब एक विशाल काय जीव बन चुका है। वो एक वाटर हॉर्स है, यानी पानी का घोड़ा। क्रूसो को देखकर एंगस बहुत खुश होता है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद क्रूसो एंगस को अपनी पीठ पर बिठाता और समंदर की सैर करवाता है। क्रूसो को शुरू में तो डर लगता है, लेकिन बाद में वो इस राइड को बहुत एंजॉय करता है। और तभी यहाँ पर एक आर्मी मैन आता है जो एंगस को उस वाटर हॉर्स के साथ, यानी कि क्रूसो के साथ देख लेता है। क्रूसो वाटर हॉर्स को वापस पानी के अंदर जाने को कहता है और घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को अपनी बहन के और लुईस के साथ शेयर करता है। ये तीनों की तीनों बहुत खुश होते हैं और तभी खिड़की से एंगस की मॉम इन तीनों को देख लेती है। इन तीनों को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। लुईस एंगस की मॉम को खिड़की के बाहर देख लेता है। वो उनके पास आता है और बताता है कि वो भी कभी एक आर्मी का सोल्जर था। उसने एक वॉर लड़ी है जिस वॉर में वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो अपना एक हाथ भी गंवाने वाला था, इसीलिए उसने आर्मी छोड़ दी और अब वो एक हेल्पर यानी कि हैंडीमैन है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है लुईस को और एंगस की मॉम को आपस में बात करते हुए देख लेता है, जिस बात से वो जेलस हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंगस की मॉम को पसंद करने लगा है। इसीलिए वो अपने साथ के लोगों से कहता है कि इसका रिकॉर्ड चेक करो। और जब वो लुईस का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक सोल्जर था, लेकिन इसका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लीन है। इस बात से उस कैप्टन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं हमें इसी शहर के बाहर को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि पानी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। दरअसल इन्हीं में से दो लोगों ने पानी में सी हॉर्स को यानी क्रूसो को देखा था और अब यहाँ पर जो बार का मैनेजर है वो कहता है कि हमें उस सी मॉन्स्टर को पकड़ना होगा ताकि वॉर खत्म होने के बाद लोग उस सी मॉन्स्टर को देखने के लिए यहाँ पर आए, हमारी आमदनी बढ़े, ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए। वहीं कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर समंदर के किनारे जाता है, जहाँ पर उसने चारों तरफ तोप लगा रखी होती है और वो पानी में तोप चलाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं जर्मन की जो सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है यहाँ किनारे में पानी के नीचे ना हो। एंगस जब ये सब कुछ देखता है तो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यही पानी में क्रूसो है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। कैप्टन उसे बहुत बुरी तरह से डांटता है, जिस वजह से एंगस की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कैप्टन से कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए।
दरअसल कैप्टन ने एंगस की मॉम को यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के लिए बुलाया था, लेकिन अब उसका प्लान पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। वही यहाँ के लोकल लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें पानी में क्रूसो नहीं मिलता, इसीलिए वो उसी की तरह का एक क्रिएचर का डमी बनाकर पानी में रखते हैं और उसका फोटो भी खींचते हैं। वही एंगस को दिखाया जाता है जो रात को लुइस के साथ समंदर की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसका दोस्त क्रूसो ठीक है या नहीं। जब वो समंदर के किनारे जाते हैं तो क्रूसो वहां से बाहर निकलता है, लेकिन आज दिन में जो ब्लास्ट हुए थे इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। साथ ही वो एंगस की बात भी नहीं मान रहा होता, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। ये सब देखकर एंगस को बहुत दुख होता है। उसे एहसास होता है कि उसे पानी में नहीं छोड़ना चाहिए था बल्कि अपने साथ रखना चाहिए था, इसीलिए लुइस से इस बात पर लड़ता भी है। इसके बाद ये दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं। वही आमी को पता चलता है कि पानी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, इसीलिए वो अपनी बोट से उस मॉन्स्टर का खात्मा करने के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी बीच समंदर में क्रूसो उनके सामने आता है। क्रूसो उनके ऊपर हमला कर देता है, उनकी बोट को पलट देता है और इसके बाद वो एक आदमी को अपने मुंह में पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, यहाँ पर एंगस आ जाता है जो उस आदमी को उसे छोड़ने के लिए कहता है। वही एक दूसरे आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो क्रूसो पर गोली चला रहा होता है, लेकिन लुइस उसे पकड़ लेता है। इस बात पर आर्मी ऑफिसर को गुस्सा आता है और वो लुइस को बहुत बुरी तरह से मारता है और इसके बाद वो क्रूसो पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी गन में गोलियां नहीं होती। वहीं एंगस पानी में क्रूसो की तरफ जाते हुए डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। और जब क्रूसो ये देखता है तो वो उस आदमी को जिसे उसने अपने मुंह में पकड़ा होता है उसे छोड़कर एंगस को बचाने के लिए पानी में उसकी तरफ बढ़ चलता है और क्रूसो को अपने मुंह में पकड़कर पानी से बाहर निकाल देता है, जिससे क्रूसो की जान बच जाती है। अब यहाँ पर एंगस की मॉम और कैप्टन भी आ जाते हैं। एंगस अपनी मॉम को और यहाँ पर खड़े हर एक इंसान को क्रूसो के बारे में बताना चाहता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता, खास तौर पर उसकी मॉम। और तभी उसके पीछे क्रूसो आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और अब उसकी मॉम को एंगस की बातों पर विश्वास हो जाता है। पहले उसकी मॉम को लगता था कि लुइस उसके बेटे के दिमाग में सब कहानियां डालता है। और तभी क्रूसो के ऊपर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। दरअसल पास में जो मिलिट्री होती है उन्हें क्रूसो को देखकर ऐसा लगता है कि ये जर्मन पनडुब्बी है। क्रूसो अपनी जान बचाकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एंगस भी उसकी पीठ पर बैठ जाता है। और अब यहाँ पर कैप्टन, एंगस की मॉम और लुइस वो भी एक बोट पर बैठकर क्रूसो को यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे नेट तक ले जाते हैं, जिसे पार करके क्रूसो समंदर की गहराइयों में पहुंच जाता है। यानी कि वहां से आगे पूरा विशाल समंदर है जो कि क्रूसो का असली घर है। क्रूसो को जाते हुए देखकर एंगस को भी अब इस बात पर विश्वास हो जाता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल उसने आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। साथ ही लुइस की मॉम के दिल में एंगस के लिए एक अपनापन और एक प्यार भी आ चुका है, यानी कि ये दोनों भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद कई लोग बताते हैं कि उन्होंने समंदर में क्रूसो को देखा, लेकिन एंगस ने क्रूसो को इसके बाद कभी नहीं देखा था। कहानी वापस प्रेजेंट में यानी कि बार में आती है, जहां पर बूढ़ा आदमी इन दोनों को यानी कि अमेरिकन टूरिस्ट को एक कहानी सुना रहा होता है, जहां पर इन्होंने वो फोटो देखी होती है जिसमें एक अजीब सा क्रिएचर था, और ये वही फोटो थी जो यहाँ के लोगों ने डमी को पानी में रखकर खींची थी। ये टूरिस्ट उस बूढ़े आदमी से उसका नाम पूछते हैं और वो बताता है कि मेरा नाम एंगस है, यानी कि यही वो बच्चा है जिसे समंदर के किनारे वो अंडा मिला था। इसके बाद दिखाया जाता है कि समंदर के किनारे एक बच्चा खेल रहा होता है और तभी वहां पर उसे एक वैसे ही अंडा मिलता है जैसा आज से कई साल पहले एंगस को मिला था, यानी कि क्रूसो ने अपने एक अंडे को यहाँ पर छोड़ दिया था। अब इसके अंदर से भी उसी तरह का वाटर हॉर्स निकलेगा। इसी के साथ ये काल्पनिक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।